हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीचमेंट। मैं हूं सिमरन और आज आप सभी के लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आई हूं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग कॉन्टेंट लेके आते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिन टीचर्स को इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है, आज उनको एक बहुत ही नई चीज़ जानने को मिलने वाली है। और स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने टीचर्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि आपकी लर्निंग इससे बहुत इंप्रूव हो सकती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है गेम बेस्ड लर्निंग। जी हाँ, गेम बेस्ड लर्निंग पर आज बात करेंगे और जानेंगे कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज गेम बेस्ड लर्निंग। गेम बेस्ड लर्निंग क्या होता है? GBL यानी कि गेम बेस्ड लर्निंग इसकी फुल फॉर्म है। तो आप ही फुल फॉर्म भी याद कीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। ये काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है गेम बेस्ड लर्निंग, तो इससे आपको अपडेटेड रहना ही चाहिए। गेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स एम्बेडेड विद इन द लर्निंग एक्टिविटीज, यानी कि जो आपकी लर्निंग एक्टिविटीज हो रही है उसी में गेम्स को, उनके प्रिंसिपल्स को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के आपकी लर्निंग को एनहेंस किया जाता है। इंक्लूड्स पॉइंट सिस्टम, बैजेस, लीडर बोर्ड्स, डिस्कशन बोर्ड्स, क्विजेज एंड क्लासरूम रिस्पॉन्स सिस्टम। यानी कि एक बहुत ही एंगेजिंग लर्निंग टीचिंग प्रोसेस होती है। सिर्फ प्लेन टीचिंग ना करके बच्चों को एंगेज कराया जाता है, उनकी क्लासेस को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, इंटरैक्टिव बनाया जाता है और गेम बेस्ड बनाया जाता है। एक्टिव लर्निंग टेक्निक टू प्रमोट द स्टूडेंट एंगेजमेंट। जी हाँ, एक्टिव लर्निंग टेक्निक फॉलो की जाती है इसमें। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल बोल रहे हैं और बाकी सब सुन रहे हैं। जी नहीं, एक्टिव लर्निंग होती है, एक कॉन्वर्सेशन होती है, प्रैक्टिकल अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता है, इंगेजमेंट का ध्यान रखा जाता है और इंटरेक्शन को प्रायोरिटी दी जाती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एक्सप्लेनिंग द सोलर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अ क्लिप। आप सोचिए, अगर आपके टीचर क्लास में खड़े होकर सिर्फ आपको सोलर सिस्टम समझा रही है या फिर ऑनलाइन क्लास में आपको सिर्फ बोल के समझा रही है, तो क्या आपको समझ में आएगा सही तरीके से? या फिर आप बेटर समझ पाएंगे अगर आपकी टीचर एक एक क्लिप का इस्तेमाल करें, एक वीडियो का इस्तेमाल करें, या फिर किसी गेम के थ्रू, किसी क्लिप के थ्रू आपको वो चीज़ समझाएं? ऑफ कोर्स दूसरा वाला बेटर है। तो इसी को गेम बेस्ड लर्निंग कहा जाता है। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ एग्जांपल्स गेम बेस्ड लर्निंग के और बेनिफिट्स भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ गेम बेस्ड लर्निंग। गेम बेस्ड लर्निंग के बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट, इंक्रीज एंगेजमेंट। जैसे कि मैंने बताया, इस क्लासेस का, गेम बेस्ड लर्निंग में जो क्लासेस होती हैं उनका मेन मोटिव होता है इंगेजमेंट बनाए रखना, बच्चों को क्लासेस में एंगेज रखना, उनको बोर्डम फील नहीं हो, कंफ्यूज फील नहीं हो, बच्चे सवाल करते रहे, जवाब देते रहे, एक इंटरेक्शन होनी चाहिए। तो जब आप गेम बेस्ड लर्निंग प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चों को इंटरेस्ट आता है क्लासेस में, और जब उनको इंटरेस्ट आता है वो इंटरेक्ट भी करते हैं, वो बातें भी करते हैं, वो सवाल भी पूछते हैं और वो जवाब भी देते हैं। दोस्तों, लर्निंग टीम वर्क। जी हाँ, बच्चे टीम वर्क सीखते हैं गेम बेस्ड लर्निंग से, क्योंकि बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें आप अकेले खेल के जीत नहीं सकते, कई जगहों पे आपको टीम की जरूरत होती है, तो आपको टीम वर्क सीखने मिल जाता है। अब ऐसे गेम के कौन से एग्जाम्पल्स हैं ये मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगी। थर्ड, लर्निंग स्पोर्ट्समैनशिप। आप स्पोर्ट्समैनशिप सीख जाते हैं जब आप गेम्स खेलते हैं। कई बार हारते हैं, कई बार जीते हैं, लेकिन सीखते क्या है? सीखते हैं आप सही तरीके से खेलना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और रिस्पेक्टफुली गेम को कंटिन्यू करना, बिना ये सोचे कि अगली बार मैं जीतूंगा या बिना किसी से जेलस फील किए। इन्हांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया, ये जो गेम्स होते हैं, इन गेम्स में कई बार गेम बेस्ड लर्निंग यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग भी कराई जाती है। आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसको सॉल्व करना होता है, कई बार अकेले और कई बार ग्रुप में मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो जब आप एक साथ खेलते हैं, आप टीम वर्क सीखते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप सीखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आपकी एनहेंस हो जाती है। कई बार जो आइडिया आप सोच भी नहीं सकते, कोई दूसरा इंसान आपको उसके लिए हेल्प कर सकता है और आपको नए आइडियाज दे सकता है। कीपिंग स्टूडेंट्स मोटिवेटेड। बच्चे मोटिवेटेड फील करते हैं जब वो कुछ ऐसा सीखते हैं, कुछ ऐसे तरीके से सीखते हैं जो उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, तो बच्चों को बोर्डम नहीं होता, वो इंगेज्ड फील करते हैं, बिलोंग्ड फील करते हैं और उनकी इच्छा होती है चीज़ें सीखते रहने की। मेकिंग स्टूडेंट्स टेक सेवी।
जी हाँ, बच्चों की टेक्निकल स्किल्स काफी बढ़ जाती हैं, क्योंकि कई बार जो गेम्स होते हैं ये ऑनलाइन होते हैं, कई बार ऑफलाइन होते हैं। तो जब बच्चे ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में कदम रखते हैं, वर्चुअल लर्निंग प्रैक्टिस करते हैं, तो उनकी स्किल्स काफी इंप्रूव हो जाती हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं और एडवांस्ड फील करते हैं। तो ये सब बेनिफिट्स थे गेम बेस्ड लर्निंग के। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, इंक्रीज्ड एंगेजमेंट, लर्निंग टीम वर्क, लर्निंग स्पोर्ट्समैनशिप, एनहांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कीपिंग स्टूडेंट्स मोटिवेटेड, मेकिंग स्टूडेंट्स टेक सेवी। तो ये सब बेनिफिट्स थे गेम बेस्ड लर्निंग के। अब आगे के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जिनसे कि गेम बेस्ड लर्निंग प्रैक्टिस की जा सकती है। फर्स्ट, बोर्ड गेम्स। आप बोर्ड गेम्स खिला के अपने बच्चों की गेम बेस्ड लर्निंग करा सकते हैं। आप बहुत सारे गेम्स खिला सकते हैं, जैसे कि क्रॉसवर्ड, पजल्स। ये सभी गेम्स बच्चों को उनका दिमाग खोलने में हेल्प करता है, स्पेलिंग सीखने में हेल्प करता है, और ना जाने क्या क्या। वीडियो गेम्स। जब वीडियो गेम्स बच्चे खेलते हैं तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन उनके बीच में मेंटेन होता है, आगे बढ़ने की एक जिद होती है, और वो सीखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी को भी यूज किया जाता है, क्योंकि कई बार वीडियो गेम्स ऑनलाइन ही होते हैं, तो टेक सेवी बच्चे बन जाते हैं। पजल्स। आई थिंक पजल्स बहुत पुराने जमाने से हमारी संसार में इस्तेमाल होती आ रही है लर्निंग के लिए। पजल्स ना ही सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस करता है, बल्कि आपको ये भी सिखाता है कि एक एक परेशानी से बाहर कैसे निकला जा सकता है। और पजल्स कई बार इतनी बड़ी होती है कि हम उन्हें अकेले सॉल्व नहीं कर पाते, हमें जरूरत पड़ती है एक टीम की। तो जैसा कि मैंने बताया, टीम वर्क एनहांस होता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, गेम बेस्ड लर्निंग प्रैक्टिस करके। तो पजल्स एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों की लर्निंग एनहांस करने का। स्पोर्ट्स गेम्स। जब बच्चों को आप स्पोर्ट्स गेम्स खिलाते हैं, वो कई सारी चीजें सीखते हैं। पहली, इंपॉर्टेंस ऑफ अ गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। दूसरी, स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है चीज़ों को, कैसे टेक्निक्स बनानी है, स्ट्रैटेजीज बनानी है। ये सब चीज़ें बच्चे सीखते हैं जब वो स्पोर्ट्स गेम खेलते हैं। आप टीम्स डिवाइड कीजिए और फिर उनसे पूछ के देखिए कि आपने ऐसी कौन सी ट्रिक आजमाई कि आप जीत गए, आपने कौन सी ऐसी ट्रिक आजमाई जिससे आप जीत गए, या अगली बार आप क्या प्लान करने का सोच रहे हैं। तो ये जो एज होती है, बच्चे जिस एज में ग्रो कर रहे होते हैं, उनको किताबी ज्ञान देने से बेटर है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज उनको प्रोवाइड करें। और गेम बेस्ड लर्निंग एक प्रैक्टिकल नॉलेज का ही एग्जाम्पल है। अगर आप खेल के साथ साथ बच्चों की लर्निंग कराए, आई थिंक उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं कि बच्चों को गेम्स खेलने कितने पसंद है। आप और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप उनको फन एक्टिविटीज करा सकते हैं, जिसमें आप उनको पंक्चुअलिटी की इंपॉर्टेंस समझा सकते हैं। आप ग्रुप एक्टिविटीज करा सकते हैं जिसमें कि बच्चे टीम वर्क सीखेंगे। आप टीम्स को डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों को एक हेल्थी कॉम्पिटिशन का पता लगेगा। ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कुछ आइडियाज है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों, आज की वीडियो को एंड करते हैं एक बहुत ही अच्छी कोटेशन के साथ। डू वॉट यू लव एंड डू इट वेल, दैट्स मच मोर मीनिंगफुल देन एनी मेट्रिक। जी हाँ, दूसरी बात ये कि जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसमें अच्छे ना निकले। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कुकिंग करना पसंद है तो वो ना चाहते हुए भी अच्छा खाना ही बनाएंगे। अगर किसी को ड्राइंग करना पसंद है तो अगर वो खाली बैठे बैठे भी डूडल कर रहे हैं तो एक बहुत सुंदर पीस बना के तैयार करेंगे, क्योंकि वो चीज़ कर रहे हैं जो उनको पसंद है। तो अगर बच्चों को आप खेल के थ्रू पढ़ाएंगे, समझाएंगे, कॉन्सेप्ट्स याद कराएंगे, तो शायद उनको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, क्योंकि खेल कूद बच्चों को हमेशा पसंद होता ही है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, एंड हैप्पी लर्निंग।